हेलो फ्रेंड्स, विंडो 10 प्रो या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हो, विंडो अपडेट को स्टॉप या डिजेबल करना चाहते हैं या फिर आप विंडो अपडेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक समय और चाहे एक दिन निर्धारित कर सकते हैं कि विंडो अपडेट इस दिन या इस समय पे हो। वैसे विंडो अपडेट बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे सिस्टम का बहुत सा एरर फिक्स हो जाता है, हमारी सिक्योरिटी अपडेट हो जाती है। स्टार्ट, यहाँ पर सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कीजिए। विंडो अपडेट, मेरा विंडो अप टू डेटेड है। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन, यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, इसे आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफ करने से आपका विंडो ऑटो अपडेट हमेशा के लिए बंद नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप कीजिए सर्विसेस, यहाँ सबसे ऊपर में आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का विंडो ओपन होगा, आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको विंडो अपडेट, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर तीन ऑप्शन और हैं, अगर आपको परमानेंटली अपने विंडो अपडेट को स्टॉप करना है उसके लिए मैनुअल, और यहाँ पर स्टॉप, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई, यहाँ पर ओके, ये हमेशा के लिए आपका विंडो अप टू डेटेड जो हो रहा है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर इसे आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पर स्टार्ट आप क्लिक कर दीजिएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने विंडो को ऑटो अपडेट जो है उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर टाइप कीजिए gpedit.msc, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद विंडो कंपोनेंट, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए।
स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर विंडो अपडेट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने विंडो को ऑटो अपडेट उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसे अनेबल कीजिएगा कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेटिंग, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को अपने अनुसार आप चॉइस कर लीजिए, जैसे कि ऑटो डाउनलोड एंड नोटिफाई फॉर इंस्टॉल, इंस्टॉल ड्यूरिंग ऑटोमेटिक मेंटेन, एवरी डे, इसे आप चेंज कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन, किसी दिन आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सैटरडे, शेड्यूल इंस्टॉल टाइम, आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई, इस तरह आपका विंडो एक कॉन्फ़िगर हो गया। इस दिन ही सिर्फ एक दिन सप्ताह में ये अपडेट करेगा। अगर इसे आप ये बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिजेबल और उसके बाद अप्लाई, उसके बाद आपको ओके कर देना है। इस तरह आपका विंडो ऑटो अपडेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।